अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आ गई है आपकी निशा एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आपको कुछ अलग देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक हाउसवाइफ के साथ एक वर्किंग वूमन भी हूं, जो कि मैं घर में कंपनी की 2-वे 4-वे जेंट्स पैंट सिलती हूं। तो आई होप फ्रेंड आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं मैं 4-वे 2-वे पैंट कैसे स्टिच करती हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिली हुई पैंटें हैं जिसे मैं गिनती मार के पैक कर रही हूँ। अब ये कारखाने जाएंगी, कारखाने जाके इसमें हेमिंग प्रेसिंग वगैरह होगा और ये फिर पैक होके उसी तरह दिखेगी जिस तरह आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा। मेरी डीमार्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि तलहा ने जो पैंट वेयर की है उसे मैंने स्टिच किया था, और तलहा के पापा की पैंट भी मैं स्टिच करती हूँ और अपने भाइयों की भी पैंट मैं स्टिच करती हूँ। तो व्यूअर्स आ गए हैं हम मशीन पर और बना रहे हैं अपना बैक पॉकेट। तो बैक पॉकेट में इस तरह से अंदर सिलाई लगती है, उसके बाद पलट के ऊपर से भी लगती है। तो अंदर सिलाई लगा के जो बढ़ा हुआ कपड़ा उसको हमको काट के निकालना रहता है, ताकि जब हम बैग पलटी करें तो उस वो एकदम फिनिशिंग के साथ आए। तो इसको दोनों सिलाई मैंने अंदर लगा ली है और अब ये बैग को मैं पलटी करूँगी और पलटी करके ऊपर से भी सिलाई लगाऊँगी। इस वीडियो में आपको ये सब दिखाने का मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस तरह से अपनी सिलाई करती हूँ, इस तरह से जेंट्स पैंट कंपनी की सिलती हूँ। बाकी मेरा व्लॉगिंग चैनल है तो मैं पूरे प्रॉपर तरीके से भी आपको नहीं दिखा रही हूँ। आगे की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से स्टार्ट करती हूँ बैग बनाना। जो आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह बहुत इजी है बैग बनाना। जो सबके लिए बहुत मुश्किल लगता है वो बनाने में बहुत ईजी रहता है, सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये मैंने ऊपर की भी सिलाई लगा ली बैग में और ऑलमोस्ट मेरा बैग तैयार हो गया है। और अब मैं बैग और फ्रंट के दोनों पल्लों को लेके ज्वाइन करूँगी 1/2 इंच की मार्जिन के साथ। तो आप आगे देखिएगा कि ये हमारा पल्ला कैसे ज्वाइंट हो रहा है इसमें। तो व्यूअर्स हमारा पल्ला भी ज्वाइंट हो गया और हमने बेल्ट लगा लिया फ्लाई बनाकर। तो ये मेरी पैंट तैयार हो गई, फाइनली रेडी हो गई है ये। अब ये जाएगी कारखाने और वहाँ प्रेस होगा, बार टेक, हेमिंग और फिर पैकिंग के बाद इसका पूरा लुक चेंज हो जाएगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो बस यही दिखाना चाह रही थी इस वीडियो के थ्रू कि मेरा आगे का डेली रूटीन क्या रहता है। आई होप आपको पसंद आया होगा।